काफ़ी मेहनत करने के बाद, कम से कम 5 से 6 मिनट मेहनत करने के बाद जाके फोटो निकली है। तस्वीर क्या है, जब इलेक्शन आएगा तो उनको याद किया जाएगा क्या? बस। और क्या, इन्हें इलेक्शन की याद नहीं आती। बीजेपी है जो सिर्फ जातिवाद को, धर्म को ही मुद्दा बनाती है, वो तो सिर्फ एक पहलू है, मतलब जस्ट फॉर शो ऑफ है कि केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिससे कि उनको ओबीसी के वोट मिल सके कुछ, बाकी उसकी पार्टी में कुछ चलती नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में बात क्यों नहीं करता कोई, आप करते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, नाम सुना है, नाम सुना है बस। बाबा बहुत स्ट्रांग है, बाबा कभी मौत नहीं देंगे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको मौत नहीं मिलेगा। क्यों, वो भी वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो अच्छा कर रहे होते तो, अगर वो अच्छा कर रहे होते तो सीएम होते आज। मैं आपसे कुछ संगत, तो विपक्ष का काम कितना अच्छा है? जो हम कहें, हम विपक्ष से पूछे, हम सरकार से पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे? वो पार्टी वाले बताएं, हम आप बीजेपी पर, आपको पसंद है तो हम बीजेपी वाले से पूछेंगे। नहीं लाएंगे तभी तो नहीं बन पा रहे हैं। योगी जी, केशव जी, सब 2-3 लोग बनेंगे मुख्यमंत्री। केशव जी का बस वही, न घर के न घाट के, बस यही स्थिति है, यही स्थिति है। और योगी जी की भी यही होने वाली है। क्यों भाई, तो हो क्या रहा, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं। शिव मंदिर से हमें क्या मिलने वाला, कितने रोजगार उन्होंने दिया, कुछ राम राज ढोंगी का राज है टोटल, राम राज कुछ नहीं है। राम को बदनाम, शिव मार्केटिंग, जस्ट फॉर मार्केटिंग के लिए राम नाम यूज किया जाता है। गुंडई बीजेपी में भी उतनी हो रही है जितनी सपा में होती है। अगर सेंट्रल पे कोई सही आदमी है वो बीजेपी ही है, सेंट्रल में। वैक्सीन किस लिए लेके आए हैं, क्यों इतना पैसे खर्च करते हैं मास्क पे, पीपी किट पे, सैनिटाइजर पे, क्यों नहीं वहाँ जाके घंटा हिला देते हो, सारे कोरोना वायरस चले जाएंगे, खुद क्यों मास्क लगा के बैठते हैं, राम राम जप ले। हिंदुस्तान में रहना तो राधे राधे कहना, बस राधे राधे कहने से घंटा बजाना है, समझे, घंटा ही बजाते रह जाओगे। अरे बहुत कुछ अच्छा किया है, दिखने वालों दिखेगा, नहीं दिखने वालों नहीं दिखेगा, आपको बता दीजिए, आपको दिख रहा होगा। हमें तो नहीं दिख रहा, हम तो दूरबीन ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाएगी तो देखेंगे तो बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दशा। इस वक्त मैं हूँ राजधानी लखनऊ में और बीजेपी दफ्तर की जस्ट थोड़ी सी दूरी पे, मुश्किल से कुछ कदमों की दूरी पे, और ये बीजेपी का झंडा आप जब देखते हैं तो कई सारे नेताओं का चेहरा आ जाता होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो सबसे विशेष जो चेहरा याद आता है वो आता है केशव प्रसाद मौर्य का, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री बनने वाले थे मगर बनते बनते रह गए। नाम काफ़ी चल रहा था उनका, मगर अब 22 का जो चुनाव होगा उसमें उनका नाम आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या रहेगा, जनता का क्या मूड है, यही जानने आए हैं। फिलहाल हम इस दुकान पर वो फोटो ही खुजवा रहे हैं जहां पर केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। कई सारी गट्ठर निकालने के बाद तब जाके केशव प्रसाद मौर्य जी का फ़ोटो थोड़ा मिल पाया और मैं जान पाया कि केशव प्रसाद मौर्य जी की तस्वीर कहाँ है। फिलहाल अब देखिए कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे गट्ठर कई सारी खुलवाया, उसमें पूछा कि केशव प्रसाद मौर्य जी की फ़ोटो है कि नहीं है, उसके बाद जाके फ़ोटो निकली, जाके ये देखिए खूबसूरत फ़ोटो अब जाके निकली है। कि फिलहाल काफ़ी मेहनत करने के बाद, कम से कम 5 से 6 मिनट मेहनत करने के बाद जाके फ़ोटो निकली है। तो क्या इतनी मेहनत बीजेपी के कार्यकारिणी में होगी कि नहीं होगी, कि इनकी फ़ोटो ऊपर लाई जाएगी कि नहीं लाई जाएगी, क्या उसी तरह दब जाएगी, जनता इसका क्या राय है, इसके लिए हम जनता के बीच चलते हैं। क्या हाल है भैया, कैसे हैं आप? मस्त हैं भैया। अच्छा ये बताइए, फोटो सबसे ज़्यादा कौन से नेताओं की बिकती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बाबा साहब का बिकता है भैया। बाबा साहब, उसके बाद बुद्ध भगवान। अच्छा, नेताओं में इसमें जो मौजूद नेता है उसमें सबसे ज़्यादा मोदी जी का। मोदी जी का, योगी जी का नहीं बिकता है? अब ये लोग बेचते हैं, हम लोग तो अलग से बैठे हैं। अच्छा बताओ भैया, केशव जी का बिकता है कि नहीं बिकता? बहुत कम, नहीं के बराबर। नहीं के बराबर, जो लगभग उनके समाज के हैं मौर्य बिरादर के, वही उनका तस्वीर ज़्यादातर लेते हैं, बाकी बात हाँ। तो मुश्किल है भैया। अच्छा वो तो उप मुख्यमंत्री है ना भाई, वो तो मुख्यमंत्री भी बनने वाले थे, पर बस वो नहीं है, जो उनके समाज के लोग हैं वो सोचते हैं कि हमारे बिरादर के हैं, इस वजह से अपने घर में उनका तस्वीर लगाना पसंद करते हैं, बाकी नहीं। बाकी नहीं तो क्या है, तस्वीर तो गायब, तस्वीर तो गायब दिखाई दे रही है। तस्वीर क्या है, जब इलेक्शन आएगा तो उनको याद किया जाएगा क्या? बस। और क्या, बिना इलेक्शन के याद नहीं आते। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री इस बार बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? अब ये तो वक्त बताएगा, अभी कौन बताएगा कि कौन बन पाए कौन नहीं बन पाए। लगता है अभी तो चेहरा आएगा सामने कि बाबा ही रहेंगे? देखो ऐसा है जी, रहेंगे कि केशव जी?
देखिए जो इनके पार्टी का है रुख वो तो समय के अनुसार काम करता है, वो ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पिछड़ा कार्ड हमेशा खेलते हैं, वो आएगा तो वही खेल लेंगे पिछड़ा वाला खेल देंगे और क्या। हाँ, यशो जी को बता देंगे मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो उनका है, वो तमाम लोग हैं जैसे स्वतंत्र देव सिंह नहीं है इसीलिए रखे गए हैं उनको जिंदा रखने के लिए कि भाई केशव प्रसाद मौर्य जी को नाराजगी ना हो, देखो हमने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है ना, तो वे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना ये ना कहो, राजनीति में क्या होता है अजीब है। अरे फोटो केशव जी की फ़ोटो खींचने में 10 मिनट लग गया बताइए। तो ऐसा जब कोई उनको पूछते नहीं है तो क्या करेंगे वो, तो हम तो अखबार में लोग पढ़ते हैं तो देखते छोटा सा फ़ोटो आता है बाकी बहुत छोटा सा। हाँ पता नहीं कहाँ रिपोर्टर लोग रखे रहते हैं अपना, वही निकाल के छाप देते हैं लोक निर्माण के मामले में। हम तो बड़ी वाली फ़ोटो खोज रहे थे, एक ही मिली जाके बहुत देर बाद। ये लोग रखते नहीं कहो स्टॉक सब रखे हैं, उसमें ढूंढ ढाड़ के दिखाया आपको। हाँ कितना देर लग गया। अब क्या करें जैसा जैसा आवश्यकता है वैसे वैसे वो रखते हैं भाई, जो मांगते हैं वही दिखाते हैं। अब फोटो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही फ़ोटो है। देखिए अब मैं आपको गट्ठर दिखाता हूँ, इतनी सारी गट्ठर है और नीचे तक है बहुत लंबी है और उसमें एक फ़ोटो जाके निकली है। कहाँ गई फोटो, फोटो को गायब कर दिया क्या फिर यहाँ? अरे देख फिर दब गई भगवा झंडे के नीचे, फिर फोटो दब गई। देखिए तब जाके ये केशव जी की फ़ोटो निकली। आइए आगे अब चलते हैं, जनता से पूछते हैं कि आखिर इस बार केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं, या उनको बनाया जाएगा कि नहीं, और उनको केशव जी को लेकर क्या विचार आता है। बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, नाम है, मगर क्या नाम का फल मिलेगा कि नहीं। आइए आगे चलते हैं जरा जनता के बीच, इधर चलिए, इधर चाय पर गरम गरम चाय लोग पी रहे हैं और बात कर रहे हैं, उन्हीं के बीच चलते हैं और समझते हैं। आइए यहाँ भी कुछ लोग हैं, इनके बीच चलते हैं। सर कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। और आप भैया? ठीक हैं। ये बताइए केशव प्रसाद मौर्य जी को जानते होंगे आप? अभी इस बारे में हम नहीं बात, सरकारी आदमी हैं क्या? नहीं नहीं बात नहीं करना चाहते। केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में बात क्यों नहीं करता कोई, आप करते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, नाम सुना है बस, इतना नाम सुना है बस। अच्छा कहाँ सुने थे? अरे यहीं लखनऊ आप सबके बीच में सुनता हूँ। क्या है वो डिप्टी सीएम? हाँ इस बार सीएम बन पाएंगे? देखिए क्या होता है, ये तो ये तो पार्टी जाने की क्या करना है भैया, भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, कुछ उम्मीद जताते हैं कि नहीं? अभी ये पार्टी के ऊपर है, जो कुछ वो डिसीजन लेगी अब हम लोग थोड़ो ले करके बनाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने भैया। क्या नाम अपना? माधव। माधव आइए, क्या हाल है बाबू, कितना उम्र है तुम्हारी? 20 साल 20 ईयर्स। अच्छा ये बताओ केशव प्रसाद मौर्य जी को जानते हो आप? हाँ जी जानते हैं, डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम है। हाँ ये बताओ आप डिप्टी सीएम साहब इस बार सीएम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? नहीं इस बार तो नहीं बन पाएंगे, मुख्य योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा? मुझे लगता है डिप्टी सीएम साहब नहीं कर रहे हैं। नहीं वो भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन योगी जी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं मुझे लगता है ऐसा। अच्छा हाँ ये बात है। हाँ लेकिन नाम तो उनका भी चल रहा था सीएम के लिस्ट में पिछली बार, सीएम की लिस्ट में उनका भी नाम चल रहा था लेकिन योगी जी को शायद उनको लगा कि जनता पार्टी को जो हाई कमांड है उन्हें अच्छा लगा तो इसलिए उन्होंने उनको योगी जी को आगे कर दिया। तो योगी जी को तो और आगे करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे वो। तो अभी मोदी जी के बाद ही तो उनका नाम आएगा योगी जी का। हाँ तब उत्तर प्रदेश की सीट तो खाली हो जाएगी। हाँ तब तो खाली हुई, तब तो वो उन्हीं का ही आएगा केशव जी का। हाँ केशव प्रसाद मौर्य जी का खाली हो जाएंगे, फिर केशव प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य आएंगे। खाली होगा कि नहीं होगा अब ये तो हाई कमांड जाने बीजेपी की। हाँ उनको क्या लगता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए उन्हें भी, केशव प्रसाद मौर्य को जी। अच्छा आइए इधर भी जानते हैं, क्या हाल है भैया कैसे हैं? ये बताइए केशव जी का नाम चलता रहा पिछली बार सीएम की लिस्ट में, डिप्टी सीएम पे आ गए, इस बार क्या लगता है कि उनको मौका होगा बीजेपी के लोग देंगे कि डिप्टी सीएम भी रखेंगे? नहीं मिलेगा, बाबा बहुत स्ट्रांग है। अच्छा हाँ बाबा बहुत स्ट्रांग है, बाबा कभी मौत नहीं देंगे। हाँ। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। इसलिए उनको मौत नहीं मिलेगा। क्यों वो भी वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं वो अच्छा कर रहे होते तो, अगर वो अच्छा कर रहे होते तो सीएम होते आज। अच्छा हाँ क्या गलत कर रहे हैं केशव जी? नहीं मतलब संतुष्ट है पूरी बीजेपी उनसे। अच्छा संतुष्ट है। हाँ तभी तो कुछ नहीं बोल रहे, लायक नहीं है, नहीं लायक तभी तो नहीं बन पा रहे हैं। कौन केशव जी जानते हो? केशव प्रसाद मौर्य को? हाँ जानते हैं। जानते हो
सीएम लायक है ही नहीं। नहीं है, है, है। हाँ? ये तो कह रहे नहीं है। अब है तो है, है? अब क्या? अच्छा कैसे? बहुत अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी है, मिले हो? नहीं मिले तो नहीं है। कैसे जानते? फोटो से पहचानते हैं। बस फोटो से पहचान लिया उन्होंने। अच्छे आदमी है, फोटो से पहचाने। अच्छे आदमी है, फोटो से अच्छे हमको लग रहे हैं। योगी जी नहीं अच्छे लगते? बहुत तीनों हमको अच्छे लगते हैं। केशवराम मौर्य, दिनेश शर्मा, योगी जी। त्रिमूर्ति? हाँ मूर्ति देखा भैया जी। मूर्ति देखा है? अब फोटो देखा है। फोटो देखा है जी? फोटो देखा है। अच्छा हाँ, आपको क्या लगता है इस बार सीएम बन पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बनेंगे। कौन? योगी जी। योगी जी और क्या? केशव जी? सब दो तीन लोग बनेंगे मुख्यमंत्री। हाँ क्या ये बताओ भैया, कैसे मुख्यमंत्री तीन लोग बन जाएंगे? अब सबसे बड़े भी हैं, छोटे दो हैं। हाँ सब बन जाएंगे। अब क्या? और मायावती जी, अखिलेश जी? अब इनको नहीं बता सकते हैं। उनको भी बना दो, सब बना दो सबको। अब इनकी लहर है, जीत पे करिए भाजपा सरकार। कौन जीतेगा इस बार? कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगी। अब क्या सीएम कौन बनेगा? सीएम एक बनेगा। कौन बनेगा वही पूछ रहे हैं। जोगी जी। अरे तुम फिर गोला के दे दिए, तुम गोला मत दो, सही बताओ। इधर इधर युवा है, उनसे पूछते हैं। अरे क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अमरेश। अमरेश जी क्या करते हो अमरेश? अभी पढ़ाई चल रही है। अच्छा कितना उम्र है तुम्हारी? 25 जी। ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में जब 2017 का चुनाव चल रहा था तो केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चल रहा था कि मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से, 22 के चुनाव में क्या उनका नाम आएगा कि नहीं आएगा, क्या लगता है तुम्हें? बिल्कुल कोई चांस नहीं है। हाँ। क्योंकि बीजेपी है जो सिर्फ जातिवाद को और धर्म को ही मुद्दा बनाती है, वो तो सिर्फ एक पहलू है, मतलब जस्ट फॉर शो ऑफ है कि केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिससे कि उनको ओबीसी के वोट मिल सके कुछ। अच्छा। बाकी उसकी पार्टी में कुछ चलती नहीं है। हाँ। और उनके कहीं अच्छे प्रोग्राम है तो भी उनको इनवाइट तक नहीं किया जाता है। हाँ। चेयर कहीं पीछे साइड में दिख खड़ा कर दिया जाता है। हाँ। और एक लोकल कैंडिडेट जो रहेगा, अगर वो जनरल कास्ट का है तो उसको चीफ मिनिस्टर के बगल वाली भी चेयर दी जाती है। हाँ। टोटल और टोटल जात बेस्ड पे ही है बीजेपी। तो केशव जी को मौका नहीं मिलेगा? कोई चांस ही नहीं है जी। लेकिन नाम तो उनका चलता रहता है। वो तो बस ऐसे नाम, सिर्फ वोट बैंक बैलेंस करने के लिए। हाँ, ये बात है जी। सही बात है भाई, सही बात की इन्होंने। सही बात, हाँ बिल्कुल सही कहा। बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग है। रहेंगे योगी जी मुख्यमंत्री। हाँ। तब क्या होगा केशव जी का? केशव जी का बस वही, ना घर के ना घाट के। हाँ। बस यही स्थिति है। यही स्थिति है और योगी जी की भी यही होने वाली है। क्यों भाई? क्योंकि हो क्या रहा है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं। सिर्फ मंदिर से हमें क्या मिलने वाला है, कितने रोजगार उन्होंने दिया। हाँ। पढ़ाई में जो बच्चों को SC ST के बच्चों को एक स्कॉलरशिप मिलता था, जिस बेस पे वो अपनी एक हायर एजुकेटेड एजुकेशन ले सकते थे। हाँ। हायर रैंक के, उन्होंने सब कैंसिल कर दिया, नो स्कॉलरशिप। जब स्कॉलरशिप नहीं देंगे कि जो जिसकी पूरे ईयर की इनकम 1 लाख नहीं है, वो कैसे 2 लाख 2.5 लाख फीस दे सकता है? जबकि यही माननीय बहन जी और अखिलेश यादव जी ने ये अच्छा स्कीम दे रखा था, जिससे एक पूअर फैमिली का कैंडिडेट स्टूडेंट भी आके पढ़ाई कर सके। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं राम राज है। कुछ राम राज, ढोंगी का राज है टोटल, राम राज कुछ नहीं है। हाँ। राम को बदनाम, सिर्फ मार्केटिंग, जस्ट फॉर मार्केटिंग के लिए राम नाम यूज किया जाता है। मंदिर से कितने परसेंट फायदा आप ही बताइए जरा। वो तो कह रहे हैं कोरोना चला गया। अच्छा तो फिर वैक्सीन किस लिए लेके आए हैं? क्यों इतना पैसे खर्च कर रहे हैं मास्क पे, पीपी किट पे, सैनिटाइजर पे? क्यों नहीं वहाँ जाके घंटा हिला देते हो, सारे कोरोना वायरस चले जाएंगे। खुद क्यों मास्क लगा के बैठते हैं, राम राम जप ले फिर बच जाए। कभी पूछते नहीं हो आप लोग जब इस तरीके का बयान आता है तो? अरे वो कभी पब्लिकली आज तक कोई कॉन्फ्रेंस किया क्या? कभी किसी ट्वीट का रिप्लाई दिया क्या? कुछ भी नहीं, नहीं दिया कभी, नहीं दिया कभी, नहीं देते हैं। ट्वीट तो करते हैं इन सब बातों को लेके। हाँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। अच्छा। वो लोग रिप्लाई देने के लिए बैठे हैं कि केवल मजा लेते हैं पॉलिटिक्स का अपना। हाँ। और क्या सब मजा ले रहे हैं तो क्या? अच्छा ये बताओ बीजेपी दफ्तर थोड़ी दूर पे है। हाँ, बीजेपी है, बीजेपी तो इस टाइम खाली भौकाल है, भगवान के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रही है। हाँ। तो क्या ऐसे लोग मिल जाए दो चार ना फिर बस। ये सिर्फ पब्लिक क्या जानते हो, क्या किया योगी जी ने ये बताओ? योगी आएंगे, योगी जी क्या किया, योगी जी क्या जानते हो? कोई एक काम पता है पब्लिक को? पता नहीं है वो हमको, हमारे लिए बीजेपी सही है कि बस ये मूंगफली खाएंगे योगी योगी पता नहीं देंगे। हिंदुस्तान में रहना तो राधे राधे कहना, बस राधे राधे कहने से घंटा बजाना है, समझे? घंटा ही बजाते रह जाओगे और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। हम क्या करें बड़े भाई, क्या करें, किसके पास लाठी है, सब कुछ कर सकते हो।
तुम सब कुछ कर सकते हो। के लिए लड़ो और क्या करोगे, विश्वास है तो ऐसे मूंगफली खा के और आधे आधे करके कुछ नहीं होने वाला। विश्वास है कि नहीं है, सही बताओ। नहीं है, मुंह छुपा रहा है, नहीं है। इनका खुद ठेलिया बंद करवा दिया, इनका ठेलिया बंद हो गया, खुद इनका उठा ले जाते हैं तब भी नहीं। वो तो ऐसे प्राइवेटाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, इनको नहीं जीने खाने देंगे। एक अच्छे बड़े कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, उसके ठेलिया लगेंगे, तुम्हारे ठेलिया तक बंद करवा देंगे। मेहनत करोगे तुम्हें खाना मिलेगा, मेहनत ठीक है, प्लेटफॉर्म तक नहीं दिया जाएगा तो मेहनत कहाँ से करोगे। आज जब ठेलिया करके जब हम लोग यहाँ जब वैकेंसी नहीं निकालोगे लोग तो हम लोग कहाँ से मेहनत करेंगे, किस कहाँ मेहनत करेंगे, करना नहीं आते क्या? बहुत लोग मेहनत करते हैं, ये नहीं करते हैं, कहना है मेहनत करते हैं, मेहनत रात दिन करते हैं। हम लोगों का मतलब जब कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जब हम लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ कहाँ चाहते हैं। फिर से कह दो जिताएंगे ना, किस बेस पे जिताओगे? क्या भाई बता दो, बताओ क्यों जिताओगे? बस वही घंटा बजाने के लिए है, बता दो तुम नहीं है। बता दो सही तो बता रहे भैया, घंटा बजाने जिताओगे हम घंटा नहीं, तुम कहाँ जिताओगे पूछ है? हमारा भैया है, वही है भैया। कौन भैया? अखिलेश भैया। अरे अभी अरे। तुम कहो भैया, अभी तो तुम कह रहे थे योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे, अब बता दो रहे हैं किसकी भैंस भैया की लाठी है। हाँ अबे तुम जाओ जिसको चाहोगे वही होगा, ये क्या जिसकी भैंस उसकी लाठी है। अच्छा सब छोड़ो भाई, वो मुद्दे पे आते हैं, तुम कभी योगी जीता दे रहे हो, कभी ये किसी को जिता दे रहे हैं। बताओ केशव जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? केशव जी को मुख्यमंत्री बनना होता तो लॉलीपॉप देके उनको हटा नहीं लेते। हाँ अभी नहीं सुने थे पिछली बार केशव प्रसाद का नाम आया था और एक शर्मा जी उनका नाम आया था। केशव जी का कोई भी स्टेटमेंट सरकार ने एक्सेप्ट किया क्या? एक्सेप्ट नहीं किया, केवल उनका ओबीसी का वोट पाने के लिए उनको बस लॉलीपॉप दिया गया था कि आपको सीएम बनाया जाएगा। अच्छा बस एक लोग उनसे पूछ लेते हैं, क्या हाल है भाई? ये बताइए जब 2017 का चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश में तो कई लोगों का नाम सामने आ रहा था बीजेपी की तरफ से, उसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। इस बार सीएम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, क्या लगता है? मुझे तो नहीं लग रहा है इस बार बन पाएंगे। हाँ योगी के आगे मुश्किल है। क्या मुश्किल है? क्यों उतना जो काम योगी ने किया है वो इस बार डिप्टी पोस्ट वाला डिप्टी सीएम वाला भी पोस्ट चला जाएगा, कैबिनेट भी शायद ना मिले। फिर ऐसी बात है नहीं, जो योगी ने किया है जितना मेहनत करते हैं इतना अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा काम किया है? हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो कह रहे अच्छा काम किया योगी जी ने, अच्छे काम कौन कौन से? तो कोविड में इतना अच्छा काम किया, कोविड कोविड के लिए अच्छा, कोविड में मेहनत किया। कोविड में कौन सा मेहनत किया बताइए जरा? अरे जो भी था अपना कोविड में कौन सा, दो चार पॉइंट गिनाएंगे कोविड में क्या किया उन्होंने? अरे जो गवर्नमेंट कर सकती थी लोगों को पॉइंट देंगे हमें, कुछ भी नहीं किया भैया। क्या किया ये तो बताइए, जो फैसिलिटी। अच्छा आप कुछ काम बता दीजिए। अरे जैसे सबको पांच काम बताइए, अच्छे पांच काम नहीं बता देंगे भाई, रुको पांच काम जैसे सबको राशन पहुंचाना, खाना देना और हॉस्पिटल फैसिलिटी दी गई सबको। आप उसको जी भाई बात करने दो आराम से, ये बताओ आपने कहा खाना पहुंचाना राशन देना, ये तो सरकार, ये सरकार का प्राथमिकता काम है, तो इसमें विशेष क्या है? विशेष तो नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट कर सकती थी जो भी उसके उसमें था उसने किया, कर दिया। हाँ किया, मतलब योगी जी ने खूब काम किया। हाँ हमारे हिसाब से तो अच्छा काम कर, खाना खिला दिया बस वही सब कुछ हो गया। अच्छा ये बताइए अभी योगी के मिनिस्टर ने शिक्षा के लोई करके दिल्ली सरकार को चैलेंज किया था आपको पता है? फिर अभी क्यों नहीं एक्सेप्ट करा, जब उनके मिनिस्टर आ रहे हैं चेक करने उनको क्यों पकड़ा जा रहा है, क्यों पुलिस रोक रही है, इसका जवाब दे सकते हैं आप? इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? आप कह रहे अच्छा है सरकार, अब मुझे अब मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे अच्छा लग रहा है योगी गवर्नमेंट शिक्षा के क्षेत्र में, हम लोग किसान आदमी है गन्ना वाले, हमको तो अच्छा लग रहा है। मुद्दे बात कर लीजिए, क्या अच्छा काम किया किसान के लिए? किसान के लिए जो था अभी तो वही चल रहा है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, लेकिन फिर भी ठीक है। गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेके आई है, सरकार नई पॉलिसी लेके आई है किसान के लिए, आप कुछ उसके बारे में समझे हैं? मुझे तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वैसे हम लोग MSP पे बेच नहीं पा रहे थे, कितने किसान 3-4% MSP पे बेचते हैं। फॉल्ट किसका, क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू कर रही है? अब MSP बात MSP की है, MSP तो गवर्नमेंट दे ही रही है। सपोज पार्ले बिस्किट है उस पर उसने 5 रुपए लिख दिया, दुकानदार क्या करेगा, सड़ा देगा, लेकिन उसको 5 रुपए से कम के दाम पे नहीं बेचेगा, मतलब उसको मिनिमम वैल्यू 5 रुपए जाएगी। हाँ। तो सरकार क्यों नहीं किसान के धान गेहूं और सामानों का वैल्यू रख देती है कि 20 रुपए या 25 रुपए के जी? ठीक है भैया हो गया हो गया, आप लोगों की बात समझ में आ गई, जनता सुन ली समझ ली। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था केशव प्रसाद मौर्य जी को लेकर के, तो उनका तो अभी अब कुछ नहीं हो सकता जो भी था, है ना? तुम्हें क्या लगता है?
मुझे भी नहीं लगता है कि योगी के आगे कैसे होशा मौर्य आएंगे। बस यही चीज मैं कह रहा हूँ ना, जो तुम बताओ, तुम बताओ। अरे रुको भाई, तुम भाग। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो बता दो। मेरा नाम रजनीश है। अच्छा क्या करते हो रजनीश? मैं बीटेक करता हूँ। मैंने सुना बीटेक करते हो। क्या उम्र है तुम्हारी? 22 साल है। 22 साल वोट तो देते हो आप। ये बताओ, जब तुम 2017 में थे तब भी तब वोट दे पाते थे कि नहीं दे पाते? नहीं दे पाते, नहीं दे पाते ना, उस समय तुम्हारी उम्र कम रहती। अब तो वोट दोगे। क्या लगता है कि इस बार कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश में नए वोटर? कुछ बताओ जरा। कहने को तो लोग कहते हैं सपा आएगी। सपा आएगी? हाँ। कहने का क्या अच्छा लगता है? मेरे को तो नहीं, मेरे को तो बसपा का अच्छा लगता है। बसपा का क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। लोग कहते हैं सपा आएगी, तुम्हें लगता है अच्छा भाजपा वोट लोट दे देते हैं बीजेपी को, मतलब कुछ ऐसा कुछ है क्या? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? छोड़िए, अरे बता दो यार, दिल की बात बताओ। तुम नहीं बताओ कौन बताएगा? तुम तो युवा हो, कहने से थोड़े हो जाएगा। तुम क्या कहते हो तो बताओ, तुम्हारा जा तो जान सकता हूँ मैं। क्या बताएं हम, बस बता ही दो क्या बताएं क्या, उसके आगे तो कुछ बता दो। आइए इधर देखते हैं, इधर भी दो लोग हैं। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? बढ़िया हैं। यही बताइए, इधर आइए, थोड़ा लाइट में आइए, अंधेरे में, अंधेरे में मज़ा नहीं आता ना। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 2017 में जब चुनाव था तो बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर ली। केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नहीं बन पाए। इस बार बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये बताइए हमें। नहीं बन पाएंगे। क्यों? वही रहेंगे, उप मुख्यमंत्री ही रहेंगे। वो तो कह रहे हैं वो भी चला जाएगा, इन लोग कह रहे हैं तो। नहीं नहीं, फिर बीजेपी आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। बीजेपी आएगी? यस। क्या बीजेपी का कौन सा अच्छा काम कौन सा लगता है आपको? अब काम क्या गिना है, काम तो बहुत सारे हैं। पांच काम बताइए कोई। अब हम क्या बताएं, आप तो पब्लिक में घूम रहे हैं, बहुत सारे काम। आपको कोई चीज अच्छी लगती है पब्लिक में? हम पॉलिटिकल व्यू नहीं है। नहीं नहीं, हम देखिए, हम किसी पार्टी को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी का कुछ काम हमें अच्छा लगा, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे काम अच्छे लगे। कोई कुछ काम बता। हम नहीं बता सकते उस चीज़ को। नहीं क्यों नहीं बता सकते हैं यार? नहीं नहीं, एडिट करना है। ठीक है, नहीं बता सकते आप? पब्लिक पे नहीं बोलते हैं। बताए बीजेपी के फॉलोअर को किसी से भी कोई पांच काम गिनवा लीजिए, वो बता ही नहीं पाएगा। वो कहेंगे आएंगे बीजेपी, क्यों आएंगे? हाँ, रीजन ही नहीं बता पाएगा। काम हुआ कहेंगे बहुत ढेर सारा, भैया दो चार हमें गिना दो, बस खत्म कहानी, उसी पे कहानी खत्म। बड़ा गर्म मामला चल रहा ठंडी में भाई, क्यों? तुम तो सबको जिता रहे थे, तुम कुछ बताते ही नहीं हो। क्या हाल दादा, कैसे हैं? ठीक है। क्या चल रहा मूंगफली का दाम? मूंगफली का दाम चल रहा 150 रुपये किलो। सही है रेट? रेट सही है, महंगा है। महंगा है, महंगा है। हाँ। लेकिन क्या किया जाए, जब महंगा वहाँ से पाते महंगा बेचते हैं, तब क्या स्थिति सही है? सही है, नहीं ज़्यादा नहीं बिक्री है, थोड़ा बहुत बिक्री है। अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे कहाँ दिन, बेकार दिन आ रहे। तब का अच्छे दिन नहीं आए? नहीं अच्छे दिन नहीं आए। राम राज्य नहीं है ना? अरे ये सब ठेलिया वाले तो एकदम बेकार हो गए थे। हाँ। एक पैसा नहीं आ रहा था, बेचारे बैठे बैठे भूखे मर रहे थे। योगी जी तो कह रहे थे राम राज्य आ गया। अच्छा। हाँ? ना हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे, एक एक पैसे के लिए इंतजार करना पड़ा। आप मेहनत नहीं करते लगता है? मेहनत तो करते हैं। आत्मनिर्भर नहीं है क्या आप? दो दो हजार दे रहे थे? हाँ 2000 तो देते हैं। तुमको मिला है? हाँ मिलता है। मिलता है? मिलता है। सही बताओ। सही बता रहे हैं। क्या करते 2000 रुपये होगा? अरे खर्चा हो जाता है, और क्या करते हैं। अच्छा। हाँ जब पैसा नहीं है खेती बाड़ी में खर्चा हो जाता है। हाँ। तो क्या लगता है केशव प्रसाद मौर्य इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं? भैया ये सब तो नहीं बता पाएंगे। हाँ। कौन बनेगा अब सरकार, देखो कौन बनेगा जब उसका वो आएगा। सरकार आ रही है बताओ तो। कोई करा मोदी योगी आएंगे, कोई करा अखिलेश आएंगे। तुम्हें क्या लगता है? हम तो बिरादरी के, हम भी तो कहेंगे अखिलेश आ जाएं। अखिलेश आ जाएं? हाँ। अखिलेश अच्छे लगते हैं? और क्या। हाँ। अखिलेश का क्या काम अच्छा लगता है? सब काम उनका अच्छा है। हाँ। और योगी जी का? योगी जी का भी अच्छा था। हाँ। तुम तो बड़े कंफ्यूज हो यार। इधर भी देखिए, इधर भी कुछ लोग हैं, आइए इन लोगों के पास चलते हैं। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? धन्यवाद, और आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। और ठीक है तो हम भी ठीक हैं। हाँ अच्छे दिन है। हाँ बिल्कुल अच्छे दिन है भाई, अभी रात है, दिन नहीं है। नहीं दिन की नहीं, अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। दिन तो अच्छे हैं, सुबह शाम की बात नहीं कर रहे। रोमांटिक मौसम है, मौज ली जा रही, जीवन का सब अच्छा। क्या ही करते हो आप? मैं तो कर्मचारी हूँ राज्य सरकार का। कर्मचारी हूँ? अच्छा ये बताओ आप कर्मचारी हो, ऐसे इतना ही सरकार का पक्ष लोगे? हैं कर्मचारी हो तो ऐसा नहीं सरकार का पक्ष लोगे? सरकार का पक्ष का ही नहीं लेंगे, कर्मचारी हैं तो। क्या बात करें भाई, कर्मचारी हैं तो। अच्छा और बता दो, सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है भाई, आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और भाई लोगों से बैठ लीजिए। कर्मचारी उसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, बने हुए मूड में नहीं है,
बोलते हैं वो अकेले ही बोलते हैं, कैमरे के सामने नहीं बोलते होंगे। क्या हाल है? बढ़िया है, बढ़िया, कुशल मंगल, कोरोना मुक्त है। हाँ पूरी तरह। अच्छा ये बताइए इस बार क्या केशव जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अभी तो पार्टी डिसाइड करेगी केशव जी बनेंगे नहीं बनेंगे। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो भी होगा पार्टी का निर्णय अच्छा होगा। वो कुछ लोग कह रहे थे बीजेपी सरकार में आएगी केशव जी कहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, अब ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। क्या लगता है? हमें लग रहा है कि अभी मुझे लग रहा है कि भविष्य में बीजेपी आएगी और आने वाले 15 साल तक वो हिला नहीं पाएगा। अच्छा हाँ, बीजेपी का काम अच्छा कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है। 5 काम बताइए कोई अच्छे। अरे बहुत कुछ अच्छा किया है, दिखने वालों दिखेगा, नहीं दिखने वालों नहीं दिखेगा। आप तो बता दीजिए, आपको दिख रहा होगा। हमें तो नहीं दिख रहा, हम तो दूरबीन ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाएगी तो देखेंगे तो बताएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आएगी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। काम दिख नहीं रहा है? काम दिख रहा है, जिसको देखना हो देखे। आप तो बता दीजिए कुछ। बस हम लोग क्या है ना कि हम लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, जो होता है हम लोग वही देखते हैं। आपको क्या लगता है सरकार किसकी आएगी? अब दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि किसी और की आएगी, क्योंकि विपक्ष में ज़्यादा दम नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। बीजेपी आएगी? जी जी। 5 काम अच्छे बताइए बीजेपी के। 5 काम बहुत अच्छे हैं, जैसे जैसे मनरेगा में सीधा पैसा खाते में जा रहा है। अच्छा ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और भी कई योजनाएं हैं जो धरातल पे हैं। और नाम आप लोग बताते नहीं, बताते कि ये नहीं है वो है, कुछ काम नाम बताया कीजिए कि ऐसे ये है वो है, काम बताया कि नहीं। मैं आपसे पूछूंगा तो विपक्ष का काम कितना अच्छा है? जो हम विपक्ष से पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे, अन्य पार्टियों के क्या काम है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। वो पार्टी वाले बताएं, हम आप बीजेपी आपको पसंद है तो हम बीजेपी वाले से पूछेंगे। नहीं तो हमें पसंद है, अभी हमें कोई कांग्रेस का मिल जाएगा, कोई सपा का मिल जाएगा, कोई बसपा का मिल जाएगा, उससे पूछ लेंगे कि पास काम बताओ अपना। विपक्ष के पास कुछ होना भी तो चाहिए, कुछ है तो आइए, अगर है तो उसका भी स्वागत है। आपके पास भी तो कुछ नहीं है? तो हम तो खाली हैं, खाली जाएंगे, हम लोग तो अर्धसंगी हैं। हाँ क्या ठीक है? है अब आप नहीं समझ पाएंगे अर्धसंगी का मतलब। नहीं समझा दीजिए भाई, नहीं समझ पाएंगे दुनिया। भाई अपने MBBS की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा इनके अच्छे दिन आने वाले हैं। हाय पूछिए। अरे हम ही पूछ रहे, अच्छे दिन आने वाले हैं? हाँ जी काफ़ी अच्छे दिन आने वाले हैं, जितना संघर्ष होगा दिन अच्छे आएंगे, और बाकी का जनता तय करती है। अच्छा। सरकारें बनती हैं जनता के मतों से। केशव जी के अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए केशव जी के अच्छे दिन आएंगे, इतना बड़ा तो नहीं हूँ मैं बताऊँ केशव जी के अच्छे दिन आएंगे नहीं आएंगे। जनता है भाई। हाँ सुनिए सुनिए, जनता हूँ, केशव जी के जो दिन आएंगे वो जनता पर डिपेंड है। बाद में आ जाना, देखिए अभी आराम से चाय पीएंगे तुम्हारी, अभी उसमें समय है। अच्छा जब समय आएगा, समय कब आएगा? बहुत से समीकरण चेंज होते हैं, उस समय समीकरण क्या बनते हैं। और अच्छा तुम्हें ये बताओ कि इस बार सरकार किसकी आने वाली है? देखिए इस बार सरकार मैंने आपको अभी बताया, उस समय समीकरण क्या बनते हैं, जनता जिस तरह का समीकरण, किस तरह का नेता चाहती है। तुम्हें क्या लगता है कौन आ रहा है सरकार? देखिए अभी के हिसाब से पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है बताओ पहले मुझे। देखिए पसंदीदा मुख्यमंत्री तो योगी है अपने। योगी है? योगी जी क्या काम अच्छा लगा? काम सबसे पहले आप काम से हटके अगर कुछ और बता सकता हूँ एक बात? नहीं काम बता दो। काम बताऊंगा, काम भी बताऊंगा मैं, पहले काम बता दो फिर आगे बता दो। पहले काम देखिए, राशन जो मिलते थे, राशन डीलर पहले बहुत लापरवाही करते थे, अभी नहीं करते हैं क्या? रोज लगातार सुनते नहीं है, सबसे बड़ी आप में कमी है, सुनते नहीं भाई आपका। अगर आपकी बात का जवाब दे दिए तो सुनते नहीं है आप। पहले सुनिए तो बायोमेट्रिक से अब मिल रहा है राशन, तो राशन डीलर जो बड़े बड़े थे और उद्योगपति थे वो बंद हो रहा है। अरे क्या बात कर दिए, रोज इतने केस आ रहे हैं राशन कोटेदारों को लेकर, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते चला जा रहा है, उसमें भी रोड है वो मुझे अच्छे दिखाई दे रहा है। रोड गड्ढा मुक्त पूरा उत्तर प्रदेश बड़ा हुआ, तुम कह रहे हो रोड की बात, आगे बताओ। रोड अच्छे दिखाई दे रहा है। शिक्षा है, शिक्षा 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की बात कही गई थी संकल्प पत्र में कि उसकी स्थापना की मेरी बात कर, अरे बात तो सुन लो ना, संकल्प पत्र में 2017 में कहा गया था कि 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ है 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय? अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तो पता नहीं, मेडिकल कॉलेज से मैं अटैच हूँ, मेडिकल कॉलेज मुझे पता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज उसके अंदर भी आ जाता है जो, तो मेरे जिले में खुद बन रहा है। देखिए डिस्ट्रिक्ट एटा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट कासगंज में बन रहा है, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। कासगंज में कौन बनवाया था? कासगंज में योगी जी बनवा रहे भैया, उसको पड़ी थी नींव, पिछली साल पड़ी है, और एटा में नींव पड़ चुकी है, शिलान्यास उसका हो गया। देखिए आप राजवीर सिंह, राजू भैया सांसद हैं, मानी कल्याण सिंह जी के बेटे, उनके सानिध्य में बन रहा है एटा में। अच्छा हाँ जो मुझे पता है सही में? बता रहा हूँ सही में, आप गूगल कीजिए, चेक कीजिए, किसी से पूछिए फोन करके, हमने तो पता किया। और दूसरी बात वहाँ के रोड देखिए आप, जो रोड की बात कर रहे हैं, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र की बात करूंगा। हम तो विधायक निवास के सामने की बात कर रहे हैं। नहीं भैया यहाँ लखनऊ लोकल के आप हैं, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ की बात करूंगा ना, मुझे यहाँ की जानकारी नहीं है, यहाँ घूम लूंगा साल 2 साल तो यहाँ की बात करूंगा, यहाँ की चीज़ बताऊंगा आपको। और आगे काम बताओ।
आगे का काम मैं मुख्यमंत्री थोड़ी आगे काम बताऊंगा, बस मैं तो पढ़ रहा हूँ आगे का, जब हो जाऊंगा अच्छे से तब लगा होगा ना कोई 5-6 काम तो बताऊँ, इसी वजह पूछ लिए। नहीं, जो काम मेरे क्षेत्र में हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया। देखिए रोड है, मेडिकल कॉलेज बन रही है और नया सरकारी अस्पताल बना है 100 बेडों का। अच्छा, हाँ। और क्या 3 काम पूरे जिले में? हाँ, और भी काम है जो मुझे शायद संज्ञान में नहीं है, लेकिन अच्छे हैं सब। जब अच्छे हैं, मेडिकल कॉलेज अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा है, ठीक है, आईटी कॉलेज है, आईटीआई कॉलेज वो बन रहा है, वो भी अच्छा है। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ाई के काम मुझे पता है, लेकिन जब जनता वोट देगी पूरे उत्तर प्रदेश की तो कहाँ से आए आप? जी मैं कासगंज से हूँ। कासगंज को देख के तो वोट देगी नहीं, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश को देख के वोट देगी, है कि नहीं? मैं कासगंज का हूँ तो कासगंज की बात करूंगा, कासगंज के वोट कैसे जनता कहाँ देगी? हम यूपी की बात करें, तुम कासगंज में घुस चले जा रहे हो यार। वो तो ठीक है यार, हम यूपी की बात है, यूपी की बात ठीक है, हम यूपी की बात कर रहे हैं, हम संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं। संकल्प पत्र में कहा गया था 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। देखिए राजनीति में इतना इन्वॉल्व नहीं हूं मैं जो इस चीजों के आंसर दे, कोई बात नहीं यार, जो बताया मुझे वो मैंने बता दिया। तुम अच्छे बच्चे हो, तुम डॉक्टर बनने वाले हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बनो डॉक्टर यार। आओ आगे और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल दीजिए? क्या हाल है? बहुत दूर से देख के हंस ही रहे हो तुम। सेम एस सेम एस सेम एस सेम क्या? हम दोनों लोग एक ही जगह से हैं। एक ही जगह से? सेम सेम वहाँ। अच्छा, फ्रेंड है, क्या नाम है इसका? प्रशांत नाम है। अच्छा प्रशांत, क्या करते हो प्रशांत? मैं यहाँ विधान परिषद में जॉब कर रहा हूँ, कजेंट में, विधान परिषद सचिवालय में। अच्छा, जॉब कर रहे हो। क्या लग रहा है, क्या स्थिति होगी विधानसभा की इस बार 22 में? देखिए रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि सरकार सब अपने अपने उसमें लगी हुई है। आप देखिए सिमिलरली आप सोचिए कि जो यादव हैं अदर कास्ट के, इस कास्ट के वो अपनी कास्ट को सपोर्ट करेंगे, वो अदर कास्ट के हैं वो अदर कास्ट को सपोर्ट करेंगे। अगर बीजेपी ने काम कराया है तो पब्लिक इतना, क्योंकि जो भी अगर सरकार बनाते हैं वो उत्तर प्रदेश लेवल से बनती है, ना कि एक सिर्फ पर्टिकुलर शहर या छोटे से गाँव से। अब सीटें कैंडिडेट उतारे जाएंगे, अब बस मुझे इस बात का बस डर लगता है कि कोई बीजेपी कोई ऐसा खेल ना खेल दे, क्योंकि सरकार जिसकी होती है, बहुमत जिसका होता है, पलरा उसका भारी होता है। तो कोई ऐसी, तुम्हारा पसंदीदा सीएम कौन है? मेरा कोई पर्टिकुलर इशू नहीं है कि ये सीएम अच्छा है कि ये सीएम अच्छा है, सीएम सभी अच्छे होते हैं। सीएम का कोई काम अच्छा लगेगा ना कि ये सीएम ने अच्छा काम किया, इस तरीके का काम अच्छा किया? सीएम कई सारे उत्तर प्रदेश में आए और सबने अपना अलग अलग काम किया, लेकिन कुछ सीएम ऐसे होते हैं जिस जो लोगों के दिमाग में बस जाते हैं। देखिए योजनाओं के हिसाब से अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम कराए, बहुत चीज़ें हुई। अब हम लोग कहते हैं कि बीजेपी है, बीजेपी में गुंडई नहीं होती, लेकिन सपा में ये सबसे पहले कहा जाता है कि गुंडई होती है, लेकिन ये बात नहीं है कि मैं खुद देख रहा हूँ कि गुंडई बीजेपी में भी उतनी हो रही है जितनी सपा में होती है। रही बात अदर कास्टों की भी, लेकिन यहाँ तक मेरा सवाल जो है मैं आपको बताऊँ, अगर सेंट्रल पर कोई सही आदमी है वो बीजेपी ही है, मैं सेंट्रल में, और वो जो कार्य कर रही है सेंट्रल से वो अच्छा हो रहा है, लेकिन यूपी में जो काम हो रहा है उस हिसाब से इतना सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं नहीं, क्योंकि सीएम योगी जी को हर फील्ड में देख रहे हैं, वो सच है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो भी हमारे जैसे छोटे बच्चे हैं या जो भी हैं, सभी के लिए एक हित में काम करें। अब आप भी देख लीजिए यूपी में ज़्यादातर सरकार बन तो जाती है, लेकिन सरकार के ऊपर इतना प्रेशर होता है, आप समझिए सीएम योगी जी, क्या आप समझते हैं कि सीएम योगी जी अकेले ही सरकार चला रहे हैं? भाई उन्हें बनाने वाले बहुत हो गए, तो कभी कोई मंत्री अपनी शिकायत लेके जा रहा है, कभी कोई मंत्री अपनी शिकायत ले, तो जो भी काम हो वो सबके हित में होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती है, आप सरकार तो सब अपना अच्छा करती है, अच्छा देने की कोशिश करती है, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी। केशव जी जो हैं वो इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो? अब ये तो उनका खुद पार्टी का वो है, तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि पार्टी के में तो ये होता है कि भाई किसकी, यहाँ तो राजनीति उस पर चलती है कि किसका संपर्क किससे कितना तंगड़ा है। जैसे सपा है, सपा में अखिलेश यादव से जो जितना जुड़ा हुआ है उसे पकड़ते हैं वो, बीजेपी में अभी केशव प्रसाद जी मौर्य हैं, वो कितने जुड़े हुए हैं, कितने घनिष्ठ संपर्क बना लिए हैं उन्होंने, क्या किया उन्होंने, उनके कहने पर वो काम कर रहे हैं तो वो बनाएंगे दोबारा, नहीं कर रहे तो आप जानते हैं अगली सरकार वो अपना वो देखेंगे, कोई तो उनका वो पर्सनल इशू है, वो किसे लाते हैं पर्सनल इशू भाई, सब कोई वो नहीं है कि उनका, बस हम लोगों को ये दुआ करनी चाहिए जो सरकार बने वो कम से कम सभी लोगों के लिए एक समान सोचे और एक समान लोगों को माने। युवा ने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो भी सरकार बने वो सबके लिए जरूर सोचे। फिलहाल मुद्दा ये था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है या केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, अगर पिछली बार जिस तरीके से सीएम की रेस में थे, इस बार सीएम की रेस में हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे,
तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे और जाने कि 22 से लेकर 17 से लेकर 22 तक की बीच की जो रणनीति रही, जो काम रहा सरकार का, जो 22 में मुद्दे होंगे, जनता क्या सोचती है, युवा क्या सोचते हैं, बुजुर्ग क्या सोचते हैं, सबसे हमने एक तरीके से बात करी। बाकी आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि आपका क्या विचार है, केशव जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं, या सरकार ही नहीं आएगी, या आएगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।